चलिए हम आपको पल पल के रुझान बता रहे हैं। इस समय हम बात करें तो 531 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 312 पर एनडीए आगे है, 115 पर यूपीए और 104 पर अन्य। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। दिनेश, कैसा माहौल है इस समय पीसीसी में? देखिए राकेश जी, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों के बाद कांग्रेस कार्यालय में कुछ निराशाजनक स्थिति जरूर है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका पीसीसी पहुंचना शुरू हो गया है और एक उत्साह भी है कि जिस तरह के रुझान आए हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह आगे काउंटिंग बढ़ेगी और मतपेटियां खुलेंगी, वैसे ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनेगा, ये कांग्रेस नेताओं को एक उम्मीद है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है और उम्मीद रहनी भी चाहिए। अनिल जी, आपसे बात करेंगे। क्या इन सबको राजस्थान में भी उम्मीद लगती है या देश के नक्शे पे उम्मीद लग रही है? जी बिल्कुल सर, जिस तरह परिणाम सामने आए, जिस तरह के शुरुआती रुझान है और रुझानों के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, उनमें निराशा जरूर है, लेकिन देश भर की अगर बात की जाए, प्रदेश के साथ ही तो देश भर भी में भी कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो उनके आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस के पक्ष में रुझान आना शुरू होगा। अभी भी उम्मीद से हैं कांग्रेस के लोग? जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं में उम्मीद बरकरार है। जैसे ही ये 12 और 1 बजे के बीच में जिस तरह के रुझान सामने आएगी, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और कांग्रेस के जो नेता हैं, उनमें फिलहाल एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस में रुझानों को जानने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है? क्या इनके पास इंडिपेंडेंट सूचनाएं आ रही है अपने कार्यकर्ता या प्रत्याशियों के माध्यम से, या ये भी टीवी चैनल पर आश्रित हैं? जी बिल्कुल सर, पीसीसी कार्यालय मैं मौजूद हूँ और यहाँ की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ कांग्रेस किसी तरह की एलईडी स्क्रीन, हालांकि विशेष तौर पर तैयारी नहीं की गई है, पर जो टीवी स्क्रीन पर ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर टिकटिकी लगाए हुए हैं और लगातार रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं। इनके पास डायरेक्ट कोई अपने प्रत्याशियों से या वहां से फीडबैक नहीं आ रहा, हर जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ मतगणना हो रही है वहां से? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीवी स्क्रीन है उस पर ही कांग्रेस के नेता आश्रित है पूरी तरह से। विशेष तौर पर परिणाम को देखते हुए कांग्रेस की ओर से कोई विशेष तैयारी नहीं की गई है। हालांकि पीसीसी कार्यालय में जो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है वो पूरी तरह से टीवी स्क्रीन पर ही आश्रित है। क्या कांग्रेस के पास कोई सूचना है राजस्थान में किसी भी एक सीट पर आगे होने की? बिल्कुल सर, जिस तरह कांग्रेस नेताओं से बात हुई तो हालांकि अभी तक तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी 25 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उम्मीद की बात की जाए तो जोधपुर सीट ऐसी है, बाड़मेर सीट ऐसी है, सीकर है, इन सीटों पर कांग्रेस को पूरी तरह जीत की उम्मीद है और हालांकि कांग्रेस के नेता इन सीटों पर जीत के अभी दावे भी कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, शायद आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि एकमात्र सीट भरतपुर जहां आगे चल रही थी कांग्रेस, वहां भी पीछे हो गई। रंजीता कौली बीजेपी की आगे हो गई है और इस वक्त 25 के 25 सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, किसी भी एक सीट पर कांग्रेस आगे नहीं है। कांग्रेस पहले जोधपुर में जरूर आगे थी, वहाँ भी अब इस वक्त पीछे है और अजमेर में भी पीछे है और बाड़मेर में भी पीछे है, जहाँ की सीट में भी पीछे है, सीकर में भी है, लेकिन बाड़मेर जहाँ की सीट सबसे नंबर एक पर नाम लिया था जीत के लिए, बाड़मेर में कांग्रेस जीतेगी, वहां भी इस वक्त कांग्रेस पीछे हो गई है। जी चलिए, धन्यवाद दिनेश। कुछ समय बाद फिर आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा माहौल है कांग्रेस के खेमे में। चलिए।